तो अभी तक आपने डोमेस्टिक पर्पज से देखा है कि अपने छत पर जो है वो सोलर प्लेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आरओ के प्लांट को चलाने के लिए ये पूरा सोलर पैनल लगाया गया है। इससे फ्रिज चलाते हैं, टीवी हो गया, इसके बाद एसी 2 टन का चला रहे हैं। 2 टन का एसी भी चल जाता है। एक बार इन्वेस्टमेंट करें और कितने साल का जो है वो लाभ मिलेगा इसका? इनका तो ये लाइफ टाइम हो गया पैनल का, लाइफ टाइम 25 साल कंपनी कहती है, लेकिन अगर डैमेज नहीं हो तो वही लाइफ टाइम चलेगा। मतलब जिस आरओ प्लांट के बारे में हम बात करते, पीछे घुमा के दिखाइए कि ये प्लांट यहीं पर है और इसी के मेनली इसी के कमर्शियल यूज के लिए जो है ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ है। सर मुझे ये बताइए कि जब आपके पास सोलर पैनल नहीं लगा था तो कितना आप पे करते थे बिजली का बिल? 8000 मंथली। 8000 मंथली पे करते थे, तो 7-8 महीने से आपका कितना बिल आ रहा है? अभी तो कोई बिल नहीं आ रहा है, उससे और 5000 हमको इनकम ही हो रहा है एक्स्ट्रा। हाँ। नमस्कार, मैं गुंजरी और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं बेगूसराय में मौजूद हूँ और देखिए कितना बड़ा सा बहुत सारे प्लेट्स यहाँ पर सोलर पैनल के लगे हुए हैं। लगभग 14 प्लेट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे जिसकी एक पैनल की कैपेसिटी जो है वो 550 वाट है। आज तक आपने देखा है कि हम घरों में इस्तेमाल करते हुए सोलर पैनल को देखते हैं जहाँ पर घर की चीजें चल जाती हैं, जैसे टीवी चला लिया आपने, फ्रिज चला लिया, बहुत सारी चीजें चला ली, लेकिन ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसका इस्तेमाल जो है वो कमर्शियल पर्पस से होता है। तो इस जिस छत पे लगा हुआ है वो सर हमारे अभी पास है, इसके ऑनर हमारे पास है। सबसे पहले बताइए कि क्या सोच के आपने जो है वो सोलर पैनल खरीदा है या फिर लगवाया? बिजनेस के पर्पस से लगाए हैं। बिजनेस का पर्पस? आरओ प्लांट चलाने के लिए। आरओ प्लांट आप चलाते हैं और उसका जो पीछे जो भी आपको एनर्जी मिलता है वो इस सोलर प्लेट से मिलता है। जी, जी। तो बताइए क्या क्या बेनिफिट आपको मिला है इस प्लेट को लगाने के बाद? इससे बिजली का हमें बहुत ही जो है सो इससे फ्री चलाते हैं, टीवी हो गया, इसके बाद एसी 2 टन का चला रहे हैं। 2 टन का एसी भी चल जाता है। हाँ। बताइए सर कितना टाइम हो गया इंस्टॉल किए हुए आपको? लगभग 8 महीना हो गया। 8 महीने हो गया, क्या मतलब खर्च आया है इस 8 महीने में? 8 महीने में क्या इसका प्रॉपर इसका खर्च या नहीं, इसके अलावा? इसके अलावा तो पहले आप पेमेंट करते होंगे बिजली का, उसके बाद क्या हाल है अभी? बहुत अच्छा है, उससे 50% बचत है। 50% बचत हो गया है इसका। अच्छा, लूम सोलर के साथ ये एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? जो जिस तरीके से लोग आए होंगे, इंस्टॉल किए होंगे, मान लीजिए कोई परेशानी आई होगी कि कैसे इसको साफ करेंगे, क्या करेंगे, तो कैसा बिहेवियर लगा है? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी ढंग से समझाए और साफ करने के लिए या किस तरह कहाँ फॉल्ट है वो सब बताए, कैसे मेंटेनेंस करना है। जी जी बताते हैं जी, सब चीज बताए। सर आइए बात करते हैं आपसे। सर आप अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए। मैं लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर का सेल्स पर्सन हूँ जी। सुनील मेरा नाम हुआ जी। मार्केट देखता हूँ अमित जी का जी। और इन्होंने लगवाने के लिए बोला गया था तो लगवाया। यहाँ 15 KVA का सिस्टम लगा हुआ, प्लेट जो है 7700 वाट का भी लगा जी, हुआ है जी। और ये इनका जो है चिलर चल रहा है, वाटर हाँ, प्लांट चल रहा है हाँ, वो इनका बिजली जो है बहुत नहीं के बराबर ही यूज होता है इनका। नहीं के बराबर? नहीं के बराबर ही। एक बार इन्वेस्टमेंट करें और कितने साल का जो है वो लाभ मिलेगा इसका? इनका तो ये लाइफ टाइम हो गया पैनल का, लाइफ टाइम 25 साल कंपनी कहती है, लेकिन अगर डैमेज नहीं हो तो वही लाइफ टाइम चलेगा। मतलब 25 साल कंपनी का जो होता है वो उसका बैकअप लेके रखेगी, लेकिन इसके बावजूद अगर जो है अगर ये काम करता गया बढ़िया तरीके से मेंटेन रहा तो जिंदगी भर का सपोर्ट ये करता रहेगा। संभव है? हाँ ये संभव है, और सिर्फ जो है 5-6 साल के बाद जो इसका बैटरी चेंज होता है बस, क्या कि ऑफ ग्रिड सिस्टम है। अच्छा। ऑफ ग्रिड सिस्टम है तो बैटरी लगता ही है, तो वो 6 साल में जो है बैटरी चेंज करना पड़ता है, सीख रहे एक सिर्फ एक बार। मतलब एक सवाल आता है ना कि गर्मी के दिन में तो सोलर पैनल का जो है वो अच्छा खासा इसका कैपेसिटी रहता होगा, ठंडी के समय में क्या इसका सीन रहता है? ठंडी के समय में भी जो जो मोनो हाफ कट हम जो लगाए हुए हैं, मौसम में गर्माहट होना चाहिए, धूप नहीं भी हो तो ये अपना सिस्टम वो जो है पैनल जो है अपना काम वर्क करती है, इसमें जो है कस्टमर को परेशानी नहीं आता है। सर आप अपना परिचय दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अमित कुमार है, मैं लूम सोलर का ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ बेगूसराय में। हम लोग बेगूसराय खगड़िया ये देखते हैं, और जनरली इनका वाटर प्लांट है, इनके लिए इन्होंने कहा था कि बिजली से बिजली यूज नहीं करना है, ऐसा कुछ ऑप्शन बताइए। तो हमने इन्हें रिकमेंड किया आप सोलर के लिए बिल्कुल जा सकते हैं, इन्होंने हम लोग लूम सोलर का इन्हें पैनल के लिए सजेस्ट किए थे, और रिस्पॉन्स वाइज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा। आप लोग लोड भी नीचे चल के देख सकते हैं, हम लोग आपको लोड दिखाएंगे यहाँ पे। इनका लूम सोलर आपने सजेस्ट किया, क्यों किया सजेस्ट? बिकॉज क्वालिटी एंड क्वालिटी वाइज लूम सोलर बेस्ट है, ठीक, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इफिशियंसी की बात करें तो लूम सोलर की इफिशियंसी सुपर इफिशियंसी इसमें हम कह सकते हैं, इसकी इफिशियंसी बहुत ही बेटर है अदर कंपनी के रिगार्डिंग, इसलिए जी अगर अदर कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसकी एफिशिएंसी इसकी क्वालिटी सुपर। चलिए हम दिखा सकते हैं क्या नीचे जिस तरीके से आपने इंस्टॉल किया है? बिल्कुल, आप वगैरह सब कुछ है। जिस आरओ प्लांट के बारे में हमने बताया था, चलिए आपको दिखाती हूँ
क्योंकि हो सकता है आपको भरोसा ना हो रहा हो, क्योंकि अभी तक आपने देखा नहीं है, अभी तक आपने सोचा है बस कि घर के ऊपर जो है वो हमारे घर के इस्तेमाल, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो पैनल्स लगाए जाते हैं, लेकिन कमर्शियल अगर आप चाहते हैं, कमर्शियल आपका कोई भी सेक्टर है उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिजली का जो एक रेट आप जो देते हैं उसका क्या हो जाएगा, क्या कंपेयर करेंगे तो कितना कम आएगा? अप्रोक्स यहाँ जो सेटअप लगा हुआ है वो आप 60-70% बिल्कुल बिजली में हमारा कटौती हो जाता है, बिल्कुल 60-70% जो है वो आपको कम पे करना पड़ेगा। चलते हैं नीचे सर, तो इस बिल्डिंग के ऊपर थे जहाँ पर लूम सोलर का सोलर पैनल लगा हुआ था, और नीचे आ जाइए कि क्या सेटअप बैठा हुआ है यहाँ पर, ये देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लेंगे इन्वर्टर लगा हुआ है, और इस तरफ जो है ये का इन्वर्टर है 180 वोल्ट में है, और ये बैटरी है 200 Ah की बैटरी लगी हुई है जी। टोटल 15 बैटरी है, 15 बैटरी यहाँ पे एक साथ में है जी। हाँ, ये टोटल सीरीज में कनेक्टेड है। अब आपको लोड भी चला के हम दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या लोड चल रहा है, आइए। मतलब जिस आरओ प्लांट के बारे में हम बात करते हैं, पीछे घुमा के दिखाइए कि ये प्लांट यहीं पर है, और इसी के मेनली इसी के कमर्शियल यूज के लिए जो है ऊपर में सोलर पैनल लगा हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं 7-8 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, और बहुत सेटिस्फाइड हैं इस बात से कि कंपनी का जो सर्विस है वो बहुत अच्छा है, कंपनी जिस तरीके से एडवाइस करती है वो बहुत अच्छा है। तो सर चला के दिखाते हैं कि क्या ये लोड जो है वो उठा सकती है। ओके, अब यहाँ से शुरू कर दिया और उस तरफ दिखाइएगा। तो देखिए यहाँ से जो है वो मोटर ऑन हो गया, और उस तरफ से जो देख रहे हैं आप चिलर जैसे पानी को ठंडा करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपने कहा था सबसे ज्यादा लोड लगता है, है ना? सबसे ज्यादा लोड ये डे टन की चीलर है, डे टन का है। हाँ। ये अब आपको हम बाहर दिखा देंगे वो चलते हुए जी। अभी आपको ये दोनों मोटर देखिए, दो मोटर है। हाँ। दोनों मोटर अच्छे ढंग से ये चल रही है। सर मुझे ये बताइए कि जब आपके पास सोलर पैनल नहीं लगा था तो कितना आप पे करते थे बिजली का बिल? 8,000 मंथली पे करते थे, तो 7-8 महीने से आपका कितना बिल आ रहा है? अभी तो कोई बिल नहीं आ रहा है उससे, और 5,000 हमको इनकम ही हो रहा है एक्स्ट्रा। हाँ, 5,000 इनकम हो रहा है जी, में। जी, बगल में कोचिंग उचिंग है उसमें हम लाइट दिए हुए हैं, जो 5,000 मंथली हमको ऊपर से आ रहा है। मतलब आसपास में भी लाइट बांट दिया, आपका आरो प्लांट भी चल रहा है, वाटर प्लांट चल रहा है। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनका, वो सारे में लाइटिंग का, पंखे का कनेक्शन ये लोग सोलर से ही ये दिए हुए हैं, और अपने घर का भी एसी, कूलर, फ्रिज वगैरह सब कुछ जो है वो चलता है। तो काफी ज्यादा मतलब पॉकेट सेविंग हो गया है आपका, है ना सर? तो ये कह सकते हैं कि ये सोलर में इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। ये कह सकते हैं ये इन्वेस्टमेंट हम सोलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। सर एक चीज और भी हम देख रहे हैं ना कि इस तरफ आ जाइए यहाँ पे, कि आजकल आटा चक्की के ऊपर, स्कूल के ऊपर, मॉल्स के ऊपर, बहुत तरीके का जो अलग अलग कमर्शियल सेक्टर है वहाँ वहाँ सोलर पैनल का इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल के जगह पे वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक बार इन्वेस्ट करके पैनल लगवा दे रहे हैं, उससे उनका काम हो जा रहा है। तो कहाँ कहाँ आपने प्रोवाइड किया है? हमने अभी स्कूल में, आटा चक्की में, कॉमर्शियल यूज, डोमेस्टिक यूज, हर जगह पे हम लोग देते हैं, और हम लोग जनरली लूम सोलर का ही प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी इफिशेंसी, इसकी क्वालिटी, इसकी सर्विस सुपर है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप सर्च कीजिए, टॉप 3 कंपनी में आपको लूम सोलर बिल्कुल दिख जाएगी। इसमें इंडिया की 3 बेस्ट कंपनीज के बारे में बात करें तो लूम सोलर उसमें होगा, बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपके पास फोन है, आपके पास नेटवर्क है, आप जो है एक बार टाइप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि लूम सोलर का क्या जो है वो फीडबैक लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, मैंने अभी तक 3 ऐसे कस्टमर से बात किया है जिन्होंने लूम सोलर का सेटअप बैठाया है अपने छत पर, तो कहीं ना कहीं मुझे सर्विस को लेकर बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं। देख लीजिए कितना बड़ा सेटअप है यहाँ पर, और ये सब कुछ जो है वो सोलर पैनल के थ्रू चल रहा है। जो 8,000 रुपए ने हर महीने पे करना पड़ता था, 8,000-9,000 रुपए, अब जो है ये 5,000 का सेविंग कर लेते हैं, और आसपास में बिजली की जरूरत पड़ती है तो ये जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं। तो मुझे लगता है काफी बेनिफिशियल है अगर आप लूम सोलर के साथ जाते हैं, इस कंपनी के साथ जाते हैं। अगर आपके पास कोई भी कमर्शियल, आपके पास अगर दिमाग में है कि आपको बैठाना चाहिए, पैनल बैठाना चाहिए, तो आप लूम सोलर से कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे वीडियो के बारे में, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।